हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले दोस्तों हैं आज बात करने वाले हैं पैनासोनिक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। दोस्तों ये 5-स्टार मॉडल है, आप देख सकते हैं 7 kg की वॉशिंग मशीन है। इसकी कंप्लेंट मेरे पास आई थी कि ड्राई काम नहीं कर रहा है, स्पिन वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी पता चल पाएगा कि स्पिन वर्क क्यों नहीं कर रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये मैंने इसको ऑन कर दिया और ये मैंने वॉश सेट कर दिया और ये रिंस मैंने 3 मिनट का लगा दिया है। स्पिन भी मैंने सेट कर दिया 5, 6, 7 मिनट का लगा दिया। दोस्तों वाटर लेवल भी सेट कर दे रहे हैं, एक वाटर लेवल रख दिया मैंने। ये मैंने मशीन को स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों मशीन स्टार्ट हो चुकी है, 48 मिनट टाइमिंग सेट हो चुकी है। ये इसका वॉश वर्क कर रहा है दोस्तों, वॉश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉश काम कर रहा है। तो दोस्तों अभी हम इसको ऑफ़ करके देखते हैं। ये मैंने ऑफ़ कर दिया, फिर से मैंने ऑन किया, अब स्पिन चला के देखते हैं। दोस्तों ये मैंने स्पिन को ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद स्टार्ट कर दिया। ये आप देख सकते हैं दोस्तों पानी ड्रेन हो रहा है, जितना ही पानी इसके अंदर सब ड्रेन हो जाएगा तभी स्पिन वर्क करेगा, तभी स्पिन चलेगा। दोस्तों ये आप देख सकते हैं अभी भी इसमें पानी है, पानी पूरी तरीके से जब ख़त्म हो जाएगा तभी पता चल पाएगा कि स्पिन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, स्पिन काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फाइनली इसका पानी ख़त्म हो चुका है, अब इसका डोर बंद करके इसको चला के देखते हैं। तो दोस्तों स्पिन की टाइमिंग जो होती है वो 11 मिनट की होती है, तो आप देख रहे हैं 10 मिनट की टाइमिंग बची है, 1 मिनट तो पानी निकलने ही में लग गया। दोस्तों अभी पता चलेगा कि दोस्तों स्पिन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये आप देख सकते हैं स्पिन वर्क करने लगा है। वीडियो को थोड़ा फास्ट करते हैं। यहाँ पे कोई कोड भी आता है क्या? चलते चलते बंद हो जाएगी। तो दोस्तों मैम बोल रही हैं कि स्पिन चलते चलते बंद हो जाता है। तो दोस्तों अभी तक तो स्पिन चल रहा है, प्रॉपर तरीके से इसको चला के देखते हैं कि स्पिन बंद होता है कि नहीं बंद होता है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी पता चल पाएगा कि क्या प्रॉब्लम है मशीन में। ये देखिए स्पीड तेज़ हो चुकी है, अच्छी तरीके से स्पिन चलने लगा। तो दोस्तों अभी तक तो स्पिन अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, काफ़ी स्पीड में भी चलने लगा है, आप देख सकते हैं अभी तक तो प्रॉपर तरीके से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम हमको नज़र नहीं आ रही है। तो दोस्तों अभी इसमें हम थोड़ा सा कपड़ों का लोड डाल के फिर से चला के चेक करेंगे, मतलब कपड़ों का लोड रहेगा तो पता चल जाएगा कि स्पिन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। खाली तो अभी प्रॉपर तरीके से चल रहा है, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से चल रहा है, जब कपड़ों का लोड पड़ेगा तभी पता चल पाएगा कि स्पिन काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। चलिए कपड़े डाल के चेक करते हैं दोस्तों, और थोड़ा सा लोड ज़्यादा पड़ेगा ना तो पता चल जाएगा। तो दोस्तों कपड़े मैंने डाल दिए हैं, थोड़ा सा इसको भिगो दे रहे हैं, चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। ये मैंने यहाँ से ऑन कर दिया, ये स्पिन मैंने सेट कर दिया, 5 मिनट की टाइमिंग लगा दी, 6 मिनट की ये मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, 13 मिनट की टाइमिंग सेट हुई है। और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से ये ड्रेन हो रहा है, पानी निकल रहा है। तो दोस्तों ड्रेन हो जाए फिर पता चलेगा कि कपड़ों का लोड पे मशीन वर्क करती है कि नहीं करती है, अभी पता चल जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है पानी को निकलने में।
ये देखिए दोस्तों, अभी तो मशीन चलने लगी है, वर्क कर रही है। ये देखिए दोस्तों, धीरे धीरे स्लो स्लो अभी वर्क कर रहा है, क्योंकि कपड़े को बैलेंस बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी ये कपड़ों का बैलेंस बना रही है, जैसे बैलेंस बन जाएगा तो इसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। कपड़ों को सेंस करके बैलेंस बनाती है। ये देखिए बैलेंस बन चुका है, 13 मिनट की टाइमिंग सेट की थी, 10 मिनट की टाइमिंग बची, 3 मिनट माइनस हो गए दोस्तों। ये देखिए स्पीड तेज़ हो गई है। तो दोस्तों फाइनली मशीन में कोई प्रॉब्लम हमको नज़र नहीं आ रही, मशीन एकदम ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मशीन में। आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से मशीन वर्क करने लगी है, लोड पर भी अच्छी तरीके से मशीन चल रही है, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। जब इसको ऑन करते तो 11 मिनट से यहाँ से ऑन होती है, ठीक। उसके बाद में धीरे धीरे राउंड करती है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है, लगभग 12-13 बार या ऐसे ही धीरे धीरे चलेगी। बैलेंस बनाएगी ना मशीन ये, अगर ये एकदम से स्पीड इतनी पकड़ लेगा तो मशीन गिर भी सकती है ना। अब ये बैलेंस बना चुकी, देखिए चलने लगी मशीन आपकी। अब ये धीरे धीरे और स्पीड पकड़ेगी, देखिए चल रही है। ये पाइप आप लगवा दीजिएगा, पाइप की वजह से भी दिक्कत आती है ना, क्योंकि उसको जितना पानी चाहिए रहता है वो ले। तो मशीन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर तरीके से चेक कर चुके हैं, कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। लोड पे भी मशीन चल रही है अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम है सिर्फ पाइप की प्रॉब्लम है। मैं हम डायरेक्टली पानी भर के इसको मशीन को चलाती थी, ऑपरेट करती थी, इसकी वजह से मशीन सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रही थी। तो मैं हमसे बोल दिया आप पाइप इसका चेंज करवा लीजिए, पाइप इसका लगवा लीजिए, तो मशीन आपकी अच्छे तरीके से वर्क करेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को।